नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग बिहार। आज तारीख 28 दिसंबर है और सुबह सुबह आपसे मुखातिब हुआ हूं क्योंकि बिहार को लेकर गर्मी है, सरगर्मी है, राजनीतिक तापमान बहुत चढ़ा हुआ है और रात भर बिहार को लेकर ऐसी खबरें चलती रही मानो बिहार ऑल बॉल फुटबॉल हो गया है, कुछ भी कह दिया जा रहा है। क्योंकि आज नीतीश कुमार को दिल्ली जाना है, कल 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, ललन सिंह का भी फैसला होना है। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, रात भर से जो खबरें चल रही है कि 11 विधायक नीतीश कुमार से अलग होने को तैयार है। मुझे लगता है कि इस खबर में कोई बहुत दम नहीं है। हाँ, कुछ विधायकों की नाराजगी हो सकती है, कुछ विधायकों का झुकाव आरजेडी के साथ हो सकता है, लेकिन ये कसरत, ये प्रयास, ये अभ्यास इतना आसान नहीं है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए, विधायक दल को तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों की जरूरत होती है और 11, 12, 14, 15 मिलकर भी जेडीयू के विधानमंडल दल को, विधायक दल को तोड़ नहीं सकते हैं। एक और बात समझिए कि बिहार में राज्यपाल कौन है। राज्यपाल बीजेपी के हैं, यह महाराष्ट्र नहीं है जहां आप कुछ भी कर लेंगे। तो जब तेजस्वी यादव के पक्ष में जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो राज्यपाल सहमति दे देंगे। आप कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उनके हैं, लेकिन समझना ये होगा कि विधानसभा में बहुमत साबित करने के पहले आपको शपथ लेने के लिए राज्यपाल के निमंत्रण के बुलावे की जरूरत है और राज्यपाल तभी आपको आमंत्रित करेंगे जब आप बिहार विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में होंगे, मतलब इतने विधायक होंगे जो बहुमत को परिलक्षित करते होंगे। और ऐसे में जब आप जेडीयू के 5, 10, 11 विधायकों की सूची सौंपेंगे तो राज्यपाल की आपत्ति स्वाभाविक तौर पर हो जाएगी और वे शायद आपको आमंत्रित ही ना करें। ऐसी सूरत में तो बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ जाएगा। तो देखिए, 11, 12, 14 मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू के विधायकों में कोई टूट होने जा रही है। हाँ, एक ही रास्ता बचता है, यदि एक्सट्रीम सोच लिया गया है। हमने पहले भी कहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए 6-7 विधायकों की ही जरूरत है, तो क्या जेडीयू के 6-7 विधायकों को लोकसभा का टिकट इंडी अलायंस का दे दिया जाएगा और इस टिकट के बहाने, इस टिकट के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू के ये विधायक बिहार विधानसभा की सदस्यता त्याग देंगे? यह कठिन फैसला होगा, लेकिन हां, ऐसा होता है तो फिर बिहार में कुछ भी संभव है। तो यह बात बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करता हूं कि 11 विधायक या 14 विधायक जेडीयू को तोड़ने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। दूसरी स्थिति जो हमने कहा, इस्तीफा दे दे, बड़ा काम है, तो कुछ भी संभव है। अब देखिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और बैठक कल है। ललन सिंह पिछले 3 दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं। हमने पहले भी आपको कहा है कि ललन सिंह को मनाने की कवायद पटना में की गई थी और ललन सिंह को मनाने की कवायद अब भी जारी है। यदि बिहार के संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, जब वे यह कहते हैं कि हां, पार्टी के भीतर कुछ भी नहीं है, आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। देखिए, अफवाह नहीं है, ललन सिंह को लेकर तो बिल्कुल अफवाह नहीं है, लेकिन जब खारिज किया जाता है पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर, इसका मतलब अभी मनाने की कोशिश जारी है, हार नहीं मानी गई है। तो आज जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे तो संभव है कि फिर से ललन सिंह से बातचीत हो, 1-to-1 बातचीत हो। जबकि ललन सिंह, देखिए, हमने बार बार कहा है कि अक्कर हैं, अड़ जाते हैं, जिद्दी हैं, तो ललन सिंह इन आरोपों से और ज्यादा परेशान है कि उन्हें लालू यादव, तेजस्वी यादव का करीबी बताया जा रहा है,
जबकि वे नीतीश कुमार से अपने रिश्तों की दुहाई देते हैं, 40 साल का रिश्ता बताते हैं, तो ललन सिंह को मनाने की कवायद फिर से होगी। और देखिए, नीतीश कुमार चौंकाते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल बैठक के पहले नीतीश कुमार ललन सिंह को मना ले। तो ललन सिंह को लेकर खबर पक्की है, लेकिन फिर से हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मनाने की आखिरी कोशिश करेंगे। एक और बात आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि देखिए, यदि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ भी देते हैं तो इसका आशय ये कतई नहीं है कि वे जेडीयू छोड़ रहे हैं, वे नीतीश कुमार से अलग हो रहे हैं, वे नीतीश कुमार को छोड़ रहे हैं, जैसा कि आरसीपी सिंह ने किया था। तो यह स्पष्ट मानिए कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी ललन सिंह छोड़ दिए तो वे नीतीश कुमार से अलग नहीं होंगे, जेडीयू से अलग नहीं होंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा है कि 2019 के चुनाव में वे महागठबंधन के उम्मीदवार, इंडी अलायंस के उम्मीदवार हो जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार और ललन सिंह का रिश्ता ऐसा है, दोनों में संबंध इतने मजबूत हैं, हाँ किसी बात पर खटपट खटराग हो सकता है, लेकिन वे 2010 की तरह नीतीश कुमार के खिलाफ कोई मुहिम लेकर बिहार में निकलने वाले हैं, यह बात मुझे ठीक नहीं दिखती है, या कहा जाना ठीक नहीं दिखता। हाँ, एक बात जरूर है जो आपको हम बताना चाहते हैं, बिहार में जेडीयू के 16 सांसद हैं, 2019 में 17 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और 16 सीटों पर जीत मिली थी। तो खबर ये आ रही है, ये जो 16 सांसद हैं, देखिए अब जो बात होनी है 2024 की होनी है, और विधायकों से ज्यादा परेशानी सांसदों की है। जो जेडीयू के सांसद हैं, पहले से ही खबर आती रही है कि कई जेडीयू के सांसद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए जब चुनाव करीब आएगा, लोकसभा का अंतिम सत्र संपन्न हो जाएगा, तो जेडीयू के कई सांसद पाला बदलकर टिकट की गारंटी देकर बीजेपी में चले जाएंगे। कई सांसदों के नाम लिए जाते हैं, सुनील कुमार पिंटू का नाम लिया जाता है सीतामढ़ी वाले, कि वे घर वापसी कर लेंगे, बीजेपी से ही आए थे। संतोष कुशवाहा की चर्चा होती है पूर्णिया वाले, देखिए चर्चा और अफवाह, ऐसे ही और भी कई सांसदों की बात कही जाती है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि देखिए, जब पांच राज्यों में चुनाव हुए और तीन राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से छीन लिया, जबकि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार की वापसी को सुनिश्चित माना जा रहा था, तो जेडीयू के इन 16 सांसदों के भीतर बेचैनी है कि जब 2023 के सेमीफाइनल में, विधानसभा के चुनाव में, मोदी के नाम पर बीजेपी ने तीन राज्यों में जीत हासिल कर ली, बड़ी जीत हासिल कर ली, मोदी के नाम पर मैं कह रहा हूं, तो 2024 में स्वयं नरेंद्र मोदी को अपने लिए चुनाव लड़ना है, तो मोदी का दंगा बजेगा। फिर आपको पता है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण, इसके बाद देश का माहौल और भी बदलेगा, तो ऐसे में बिहार में महागठबंधन इंडी अलायंस के टिकट पर चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार ने सांसदों का मन पढ़ने का प्रयास किया था, वे और भी पार्टी के नेताओं से मिले थे, पार्टी के विधायकों से मिले थे। देखिए, नीतीश कुमार से मिलना एक मुश्किल काम होता है, यह बात मैं बार बार कहता हूं। जिस आसानी से, जिस सहजता से, जिस सरलता से ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी, संजय झा नीतीश कुमार से मिल लेते हैं, जब मर्जी, शाम की तो बैठकी होती ही होती है, वैसी छूट या वैसा दूसरे सांसद, विधायक, पार्टी के नेता नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने कल पटना में, मतलब तारीख 27 दिसंबर को, जेडीयू के कई नेताओं से बैठक की थी, उनके मन को भी पढ़ने का प्रयास किया था। यह भी आपको पता है, यदि सेंट्रल के पास आईबी है तो स्टेट के पास भी खुफिया ब्यूरो होता है, वे भी सरकार, सरकारी कार्यक्रमों, सरकार के प्रति मूड को लेकर
जो चल रहा होता है जनता के बीच, जनता के भीतर, उसकी रिपोर्ट देते रहते हैं। तो हम सांसदों की बात कर रहे थे। हमारी खबर यह है कि जो जेडीयू के 16 सांसद हैं, उनमें से 13 सांसदों ने बीजेपी के साथ चलने का मन बनाया है। मैं कह रहा हूं मन बनाया है, इसका आशय यह नहीं है कि ये 13 सांसद जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं या बीजेपी का टिकट प्राप्त करने जा रहे हैं। बीजेपी के पास उतना टिकट है भी नहीं कि सभी 13 को दे दे। लेकिन इसका आशय क्या कि इन सांसदों ने नीतीश कुमार के सामने, देखिए नीतीश कुमार के सामने कोई कुछ बोलने की स्थिति में होते नहीं है, किसी भी नेता के सामने। नरेंद्र मोदी ही जब बोलेंगे तो उनके चाहे जितने सांसद हों, चाहे जितने विधायक हों, चाहे जितने प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे जितने नेता हों, वे कह देंगे आप जो कहेंगे वही होगा, उसी रास्ते पर हम चलेंगे। ठीक ऐसा ही नीतीश कुमार के सामने होता है। नीतीश कुमार के सामने कोई बोल नहीं पाता है। जब नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं उस फैसले से अवगत करा दिया जाता है और उस पर सर्वानुमति सहमति। लेकिन चुनाव की बात आई है तो सांसदों से जब पूछा गया कि क्या यह गठबंधन, जिस गठबंधन में हम हैं वह ठीक है, तो 16 में से 13 सांसदों ने कहा कि यदि हम बीजेपी के साथ चले, एनडीए में चले, तो जीत आसान होगी, कोई चुनौती नहीं रह जाएगी, कोई मुश्किल नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए वे 2019 को भी याद करते हैं। 2019 में ये जो 16 सांसद हैं किसे हरा कर आए थे? हरा कर आए थे राजद को, कांग्रेस को। राजद और कांग्रेस वाले से वोट मांगने जाते ही नहीं थे 2019 में। और अब 2024 में यदि इंडी अलायंस में ही रह जाते हैं, महागठबंधन में ही रह जाते हैं, तो उन्हें वोट मांगने किसके पास जाना होगा? उन्हीं राजद और कांग्रेस वालों के पास, साथ में जो लेफ्ट पार्टियों के मतदाता है। तो ये परेशानी वाली स्थिति तो है। और मोदी का भौकाल पूरे देश में दिख रहा है। राहुल गांधी ने यात्रा का फैसला किया है, यह दूसरी बात है। लेकिन बिहार में कांग्रेस की सरजमी, कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत है यह भी आप जानते हैं। तो 16 में से 13 सांसद चाहते हैं कि नीतीश कुमार जेडीयू बीजेपी के अलायंस में, एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़े, तो बिहार में लड़ाई नहीं रहेगी और फिर जेडीयू के सभी सांसद चुनाव जीत सकते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो 16 सांसद हैं उनमें 13 बीजेपी के साथ चलने के पक्षधर हैं, तो बाकी 3 कौन हैं जो महागठबंधन और इंडी अलायंस में रहना चाहते हैं? इनके नाम स्पष्ट नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सांसदों से बातचीत की, उन्होंने यह नाम लेने से मना किया, लेकिन कहा कि हाँ बीजेपी के साथ चलना ठीक होगा। तो देखिए इन सारे मुद्दों पर, इन सारे विषयों पर कल जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो उस पर चर्चा होगी। हाँ एक बात मैं फिर से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जल्दी से विधानसभा का चुनाव भी चाहते हैं, मतलब विधानसभा के चुनाव की तैयारी। पार्टी के भीतर सभी पार्टियों को इस बात का एहसास है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 के पहले हो सकता है। नीतीश कुमार के मन में यह कचोट है कि 2020 में वे कैसे 43 सीटों पर सिमट गए थे, कैसे ऑपरेशन चिराग ने, जो चिराग ने ऑपरेशन नीतीश किया, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा था और 3 नंबर की पार्टी बन गए थे। लेकिन नीतीश कुमार क्या इंडिया अलायंस में रह पाएंगे? यह बात तो कही जा रही है कि ललन सिंह से जो दूरी बढ़ी है वह इस कारण बढ़ी कि ललन सिंह को नीतीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीब मानने लगे। वैसे जो ललन सिंह के लोग हैं वे कहते हैं दोनों के बीच सेतु का काम कर रहे थे, यदि कोई ब्रिज ना हो तो इधर और उधर में खाई पैदा हो ही जाता है। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं। 13 सांसद बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी में जाना चाहते हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, और बीजेपी 13 को अपने भीतर एडजस्ट कर लेगी यह भी संभव नहीं है। तो ऑल बॉल फुटबॉल मत होइए,
कोई 11 विधायक जेडीयू के विधायक ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है कि वे इस्तीफा दे देंगे और इसके बाद बिहार विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी उसके कारण तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट बहुमत में आ जाएगा। हमने कल भी बताया था, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी बता रहे थे कि ईडी का खतरा भी है और किसी भी कीमत पर बीजेपी बिहार में तेजस्वी यादव को अभी मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहती है। हाँ, यह बात भी सही है कि जो कदम बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार के बीजेपी की ओर, बीजेपी की पहली शर्त यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दे। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है, इस शर्त पर समझौता नहीं होगा। और वैराग्य यह तो आगे आने वाले दिनों में मालूम होगा। तो आप जो बिहार को लेकर खबरें हैं उसके लिए लाइव सिटीज के साथ कनेक्ट रहिए। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।